देखिए, आज हम शब्द शक्ति की बात करेंगे, व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारा ये, और एग्ज़ाम में शब्द शक्ति से ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। किसे कहते हैं शब्द शक्ति? तो हम ये कह सकते हैं शब्द शक्ति के लिए कि जो शब्द होता है शब्द की जो अर्थगत विशेषता है वो किस तरीके का अर्थ अपने अंदर समाहित किए हुए है, किस तरीके के अर्थ को ध्वनित कर रहा है, इस बात को बताना या इस बात को समझाना या इस बात की हमें जो शक्ति देता है हम उसको शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब शब्द का अर्थगत, क्या उसने डिस्टर्ब बीच में है, शब्द का अर्थगत व्यापार क्या कहलाएगा? शब्द शक्ति कहलाता है, शब्द का अर्थगत व्यापार शब्द शक्ति कहलाता है। क्या मतलब है इसका? जब हम किसी शब्द में निहित उस अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, किसके माध्यम से? उस व्यापार के माध्यम से, उस तरीके से कि शब्द जो है किस अर्थ को अभिव्यंजित कर रहा है, उसी के आधार पर हम ये मानते हैं कि शब्द अपनी शक्ति को व्याख्यात या अपनी शक्ति को बता रहा है। तो शब्द की शक्ति कैसे निकल के आएगी? तीन तरीके से। किस किस रूप में? पहले लिखेगी, लिख लेगी वो अविधा के रूप में। अविधा यानी जैसा जो है उसका वैसे का वैसा ही रूप। तो हम कह सकते हैं अविधा गत अर्थ, सिंपल करने की कोशिश की है। वैसे इसको अविद्या अर्थ कहा जाता है, अविधा के साथ में अर्थ की संधि कर दी जाती है, दीर्घ संधि कर दी जाती है, तो अविद्या अर्थ कहने की कोशिश की जाती है। मैंने अविधा गत अर्थ इसलिए कहा कि आपको थोड़ा सा समझ में रहे, वो शब्द जो है मुश्किल ना हो जाए। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो मुख्य अर्थ है, अविधा गत अर्थ को क्या कह सकते हैं? मुख्य अर्थ, शब्द का जो मुख्य अर्थ है, प्रमुख अर्थ है, वो भी क्या है हमारा शब्द शक्ति में पहला ही अविधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा, यानी मुख्यार्थ। तो हम इसको मुख्य अर्थ कह सकते हैं, अलग करके इसकी संधि करेंगे तो मुख्यार्थ हो जाएगा। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि वाच्य का जो अर्थ है, सीधा जो बोला गया है, यानी वाच्यार्थ, वाच्य धन अर्थ, ये भी संधि है, संधि हो जाएगी तो वाच्यार्थ बन जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे लिखे हुए, वाच्यार्थ मुख्यार्थ, यानी अलग नहीं होगा वो, संधि के साथ होगा। मैं अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा पहली बार हम इसको समझने में ईजी हो जाए, बाद में फिर शब्द याद हो जाता है, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। शब्द का अविधागत अर्थ या शब्द का वाच्यार्थ या शब्द का मुख्यार्थ या फिर शब्द का इसी को, ये सारे एक ही नाम है, एक ही चीज के लिए नाम है। लोक प्रचलित अर्थ यानी जो लोक में प्रचलित है, जो सामान्य शब्द सुनकर हम उसका अर्थ लेते हैं, लोक प्रचलित अर्थ, जो लोक में प्रचलित अर्थ है। लोक मतलब होता है हमारे समाज के भीतर, जो हम सीधा सीधा अर्थ लेते हैं शब्द का वो हमारा। इतने सारे नामों से आप किसी भी नाम से उसको बुला सकते हैं, वाच्यार्थ कह सकते हैं, अविदागत यानी अविदार्थ कह सकते हैं, लोक प्रचलित अर्थ कह सकते हैं, मुख्यार्थ कह सकते हैं, है ना, रूढ़ार्थ भी कह सकते हैं, जो रूढ़ है अर्थ, जो एकदम उसके लिए रूढ़ हो गया है। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो स्टेबल हो चुका है वही उसका मीनिंग लिया जाएगा, दूसरा मीनिंग नहीं लिया जाएगा, तो रूढ़ार्थ भी हम इसको कह सकते हैं। एक शब्द आप भी सोच सकते हैं ऐसा जो टेक्निकली हिसाब से ठीक बैठे,
कोशिश की जा सकती है, कोई शब्द बनाया जा सकता है। भाषा शब्द बनाने का ही खेल है, लोग अपने अपने तरीके से भाषा शब्द का निर्माण कर लेते हैं, और अगर वो डिक्शनरी के आधार पर शब्द ठीक हो उसको स्वीकार कर लिया जाता है समाज के द्वारा। ठीक है, तो हम बात अपने उसी पर लौटते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, यानी शब्द जो है हमें 3 रूपों में दिखाई देगा। पहला हमारा हो गया वाच्यार्थ, अव्यार्थ, मुख्यार्थ या लोक प्रचलित, तो कुछ भी ले सकते हैं सीधा सीधा अर्थ। दूसरा हमारा आ जाता है शब्द का लक्ष्यार्थ यानी लक्षणार्थ, लक्षण धन अर्थ लक्षणार्थ हो जाता है कि हम शब्द का मीनिंग किसी लक्षण के आधार पर ग्रहण करते हैं, कोई तरीका होता है उसे निकालने का तो वो लक्षणार्थ के अंतर्गत आएगा। यानी इसको अगर आप संधि करेंगे, यहाँ भी दीर्घ संधि है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं लक्षण धन अर्थ। ठीक है, लक्षार्थ। और तीसरा शब्द शक्ति के रूप में, तीसरी शब्द शक्ति के रूप में हमारी आएगी व्यंग्यार्थ या व्यंज्यार्थ कह सकते हैं, जो व्यंग्यार्थ हैं जो व्यंग्य के माध्यम से हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। सीधा सीधा अर्थ हमें शब्द में नहीं मिलता, ना ही किसी रूढ़ी या परंपरा के अनुसार हम उस अर्थ को ले सकते हैं, बल्कि हमें अर्थ कहीं अन्य ही दिखाई देता है और बिल्कुल उसको अलग ढंग से ही लिया जाता है। तो शब्द शक्ति के तौर पर हमें 3 शब्द पढ़ने पड़ेंगे, लगातार ध्यान में रखने होंगे, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंज्यार्थ। ये 3 शब्दों के अर्थ आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इन्हीं से हमारी 3 शब्द शक्ति बनेंगी। पहली शब्द शक्ति बनेगी हमारी, देखिए वाच्यार्थ। वाच्य मतलब क्या होता है? वाच्य, वाच्य का मतलब बोला बोलना, आपने जो बोला वही क्या है? वाच्य। इसीलिए कहते हैं ना वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाक्य को किस तरीके के, किस तरीके से या किस आधार पर बोला जा रहा है उसी के आधार पर वाच्य वाच्य के तरीके भी निर्धारित हो जाते हैं, कि वाच्य कर्म के आधार पर बोला गया है, कि वाच्य कर्त के आधार पर यानी कर्ता के आधार पर है, या कर्म के आधार पर है, या भाव के आधार पर है। तो वाच्य का मतलब होता है बोलना, तो बोला हुआ अर्थ, सीधा सीधा जो बोला हुआ अर्थ है वो आपका वाच्यार्थ हो जाता है। टेक्निकली रूप में अगर हम इसको कहें, जैसा वाचन किया जाए, वाचन का मतलब क्या है? वाचन का मतलब होता है बोलना। इस शब्द आपने सुने होंगे ना, पाठन, वाचन, तो ये क्या है? हमारा पठन, वाचन, और ये उस वाचन का मतलब होता है बोलना, जो जिसका हमने वाच किया हो, जिसको हमने बोला हो। जैसा वाच किया जाए, या फिर कह सकते हैं जैसा बोला जाए, अथवा जो बोला जाए के सभी साथी ना क्लास में राइट टाइम पे जुड़े, बिल्कुल 5 मिनट में, शुरू के 5 मिनट में ज्वाइन करके लेफ्ट कर लें, चाहे बाद में ज्वाइन करना हो किसी को, बाद में फिर वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाता है। तो शुरू के 5 मिनट में सब क्लास ज्वाइन कर लें, बाद में क्लास ज्वाइन ना करें, है ना, क्योंकि बार बार पढ़ाते में बीच में आना पड़ता है, लौट के जाना पड़ता है, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, बाद में उससे चाहे लेफ्ट करके आपको कोई काम है तो बाद में पुनः जुड़ जाइए उससे, तो आप ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे उसमें, एक बार हम आपको एडमिट कर देंगे। तो पहले 5 मिनट में सब कोशिश करें, पहले 5 मिनट में सब लोग अधिकतर ज्वाइन कर लें। जैसा वाचन किया जाए अथवा जो बोला जाए वही क्या है आपका? जो बोला जाए वही अर्थ भी
भी हो, यानी जो बोला गया है अर्थ भी वही हो, कुछ उससे कुछ अलग नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी अन्य अर्थ की कल्पना नहीं करेंगे, अर्थात अन्य किसी अर्थ की कल्पना भी नहीं की जाए या की जा सके, की जा सके, वहां होगा आपका वाच्यार्थ। किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? वहां वाच्यार्थ होता है। समझ में आया किसी को? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? वाच्यार्थ जैसा वाचन किया जाए अथवा जो बोला जाए वही अर्थ भी हो, कोई और अर्थ ना लें आप। मैंने आपको बोला कि रोटी लाओ तो आप खाना ही लेके आए, कुछ और ना लाएं। मैं आपसे कहूं बैठ जाओ तो आप बैठ जाएं, यानी जो बोला जाए वही अर्थ हो और वही अर्थ लिया भी जाए, अन्य कोई अर्थ की कल्पना न की जा सके जहां, वहां आपका वाच्यार्थ होता है। जैसे हमने कहा कृष्ण, कृष्ण का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण ही से ही इसका अर्थ लिया जाना चाहिए, यानी कौन कृष्ण? जो मथुरावासी हैं, भगवान कृष्ण हैं, विष्णु के अवतार हैं, वही अर्थ इससे लिया जाए तो ये कैसा रूप होगा? तो ये हम कहेंगे कि ये वाच्यार्थ है। क्या है वो? हमारा वाच्यार्थ है। जैसे हम एक शब्द लिखें राम, राम का क्या अर्थ लिया जाए? यानी राम, वे राम भगवान विष्णु के अवतार जो दशरथ पुत्र हैं। तो हम अगर जो बोला गया है और वही अर्थ ले रहे हैं, अन्य किसी अर्थ की कल्पना नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये वाच्यार्थ है। तो अब इसे देख लीजिए ये कितना सरल है, तो सरल अर्थ भी कह सकते हैं, यानी जो बोला जाए आसानी से समझ में आ जाए तो सरल अर्थ है। तो बना लीजिए एक और शब्द, सरलार्थ कह लीजिए इसको, सरल अर्थ है एकदम से, अन्य कोई अर्थ नहीं है, लोक प्रचलित अर्थ है, लोक में प्रचलित होता है, लोक में राम बोलने का मतलब राम ही होता है, राम कहेंगे भगवान राम, तो भगवान राम ही अर्थ लिया जाएगा, इससे ये नहीं है कि कोई और अर्थ ले लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके अविधेय है ना, लोक प्रचलित, सरलार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, ये सारे नाम आपको वाच्यार्थ के ही मिलेंगे। कोई ऐसा साथी जिसे वाच्यार्थ में अभी भी प्रॉब्लम है? वाच्यार्थ के फिर आगे जाएंगे हम। वाच्यार्थ समझ में आया सबको? वाच्यार्थ वचन, वचन करना, वचन मतलब होता है बोलना, वो बोलना से ही बना है वचन, जो मैंने कहा, जो कहा जाए वही अर्थ लिया जाए वही है वाच्यार्थ, उसका अन्य किसी अर्थ की कल्पना ना की जाए तो आप उसको कहेंगे कि ये वाच्यार्थ था। दूसरा अर्थ वाच्यार्थ, पहला वाच्यार्थ हो गया, दूसरा कहेंगे लक्षणार्थ। अब इसकी टेक्निकली परिभाषा या टेक्निकल रूप को समझने की कोशिश करें हम, कैसे समझेंगे? जो मैं लिख रहा हूं आप अगर लेखन के लिए आएगा तो आपको वैसे ही लिखना है, उतनी ही बात लिखनी है, उसमें आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी ना, लिखने के लिए आएगा ना थर्ड सेकंड पेपर, तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको वैसे का वैसा ही लिखें। जहाँ मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार या माध्यम आधार पर अर्थ
ग्रहण किया जाए वहां लक्षणार्थ होता है या कहलाता है, वह लक्षणार्थ कहलाता है या वहां लक्षणार्थ होता है। कहलाता है तो वहां कहेंगे, वह कहेंगे वह लक्षणार्थ कहलाता है, अगर वहां लिखा है तो कहेंगे कि वहां वहां लक्षणार्थ होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, एक बार ध्यान से देखो। किसी ने ज्वाइन किया था, एडमिट कर देते उसको, कहाँ गया। लक्षणार्थ, जहां मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए वहां लक्षणार्थ होता है। मुख्य अर्थ को बाधा करके, है ना, मुख्य अर्थ को बाधा करके हम अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कोई सीधा सीधा अर्थ नहीं है। अब यहां राम का अर्थ राम नहीं होगा, या मोहन का अर्थ यहाँ मोहन नहीं होगा, या फिर गधा का अर्थ यहाँ गधा नहीं होगा, कोई और रूप होगा। कैसे होगा, जब हम कहेंगे कि यहाँ लक्षणार्थ है। किसी लक्षण माने क्या होता है, यानी उसके कहते ना, इसका कोई कारण है, कॉज है, लक्षण है, कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं हमको। तो वाक्य में भी कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स होंगे, क्या होंगे। जैसे हम कहें राम बैल है, क्या वाक्य है, राम बैल है। अब यहां राम बैल है का मतलब क्या है, क्या राम चार हाथ पर, उदाहरण वैसे हमने गलत दिया है, इसको राम नहीं करें क्योंकि हो सकता है किसी को इससे दुख पहुंच जाए, क्योंकि वो हमारे भगवान है, वो सामान्य नाम ले रहा था मैं, अगर कोई उसको ऐसे अर्थ ले जाए तो गलत है, लेकिन हम कुछ और नाम रख लेते हैं, है ना, क्या क्या रख लें, जैसे हम कहते हैं भाई कोई, अरे सारे नाम देवी देवताओं के याद आ रहे हैं मुझको, कोई कॉमन नाम याद ही नहीं आ रहा, राहुल कर लेते हैं, चलो। ठीक है, कोई ये कह सकता है सर लड़कों के नाम ले रहे हैं आप, ये भी भाषा का एक पुरुषवादी रूप है, महिला स्त्री का नाम नहीं ले रहे हैं, चलो तो स्त्री कर लेते हैं, राहनी कर लेते हैं, राहनी बैल तो नहीं होगी। अब इसमें क्या है? ये भी बदलना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये स्त्री लिंग है तो बैल तो नहीं होगी, गाय कर लेते हैं, राहनी गाय है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाक्य है इसमें शब्दों का अर्थ आप वही नहीं लेंगे राहनी के बाद गाय का, कि गाय यहाँ पर अविधा के रूप में नहीं है, अविधा के रूप में नहीं है, यानी गाय का मतलब तो चार हाथ चार पैरों वाली दूध देने वाली एक जानवर है, पर राहनी तो एक लड़की है, वो गाय कैसे हो सकती है। तब हम ये देखेंगे कि गाय का लक्षण क्या है, है ना, लक्षण के आधार पर हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। तो गाय का अर्थ, अब बैल के लिए तो हम ये कह सकते थे बैल क्या है, मूर्ख है, कम बुद्धि वाला है, इसीलिए ऐसे लोगों को बैल कहा जाता है जिनमें कम बुद्धि होती है। खैर वो गलत बात है, बैल में खूब बुद्धि होती है, देखा जाए तो वो कितना काम करता है, पर क्योंकि मनुष्य है हम जानवरों पे अपने विचार आरोपित करते हैं, इसीलिए हम जानवरों को कभी कभी जो सच्चाई नहीं है उनके उलट हमने अर्थ दे रखे हैं। तो ये एक भाषागत प्रॉब्लम है, आप इस पर नहीं जाएं, और ये थोड़ा सा कहा जाता है कि अब पढ़ाते वक्त में भाषा पर चिंतन किया जाना चाहिए, प्रकृति को हम पशु पक्षियों को हम उस तरीके से संबोधित ना करें जैसे पहले लोग करते आए हैं, या महिलाओं को उस तरीके से संबोधित ना करें जो पहले करते आए हैं। क्यों, क्योंकि भाषा में भी एक प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और भाषा में भी एक प्रकार की सत्ता दिखाई दे सकती है। तो भाषा का भी डिस्कोर्स आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च उस पर हो रही है, तो फिर सतर्कता से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों को भी पेपर लिखते वक्त भाषा का प्रयोग सतर्कता से ही करना, ताकि ये लगे कि हाँ आप थोड़े सेंसिटिव हैं, आपने भाषा को थोड़े अच्छे से समझा है। प्रचलित अर्थों को, लोक प्रचलित कहावतों का प्रयोग कम करना चाहिए, जैसे कि भाई
बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो मुंह काला क्यों, ये क्यों नहीं कहा कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोरा, है ना। तो ये भी एक प्रकार के, क्योंकि काले लोगों ने हम पे एक प्रकार से राज कर लिया, या काले लोगों को हम सुपीरियर मानते हैं, तो गोरे लोगों को हम सुपीरियर मानते हैं और गोरे लोगों ने हम पे राज किया तो कालों को हम बुरा मानने लगे, जबकि रंग से कोई अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। बुरी नज़र वाले की काला रंग क्यों होगा, काला मुंह क्यों होगा। तो ये सिर्फ भाषा का खेल है, कभी भाषा में बात करेंगे तो वहाँ अलग से बात करेंगे। अभी यहाँ लौटते हैं हम लक्षण के बारे में कि राहनी गाय है, तो गाय का लक्षण क्या है। गाय का लक्षण हम यहाँ ले सकते हैं सीधा होना, यानी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का होना। तो हम ये कह सकते हैं कि राहनी जो है वो बड़ी ही शांत है और वो बड़ी सीधी है, तो ये अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमने कैसे लिया, लक्षण के आधार पर लिया इस गाय का अर्थ, है ना। तो राहनी को हमने गाय नहीं समझा, जानवर नहीं समझा, बल्कि उसको हमने कहा कि राहनी सीधी है, बहुत शांत स्वभाव की है, तो ये अर्थ लिया गया यहाँ पे। तो ये कैसे निकाला हमने, ये लक्षण के आधार पर निकाला हमने, गाय का लक्षण निर्धारित करा। जैसे हम ये कहें पवन बैल है ना, या फिर हम कहें कि हेमंत गधा है। ये जो अर्थ निकल रहे हैं यहां पर, ये किसी लक्षण के माध्यम से हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए यहां शब्द शक्ति कौन सी निकल रही है, यहाँ पे लक्षण शब्द शक्ति है, क्योंकि पवन बैल तो नहीं है, है ना, बैल की तरह जानवर तो नहीं है, बल्कि बैल की तरह क्या है, वो कम बुद्धि वाला है, उसमें कम बुद्धि है, इसीलिए लक्षण के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि वो कम बुद्धि वाला है। ये हमें कैसे पता चला, बैल का लक्षण हमने देखा कि बैल का क्या लक्षण है, यानी समाज उसका क्या लक्षण मानता है। हमने कहा हेमंत गधा है, तो हेमंत कोई गधा नहीं है, बल्कि हेमंत भी क्या है, कम बुद्धि वाला है, वो और भी बैल से भी ज़्यादा कम बुद्धि वाला है, यानी वो और भी ज़्यादा मूर्ख है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं कि जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा पहुँचकर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ पर हमारा लक्षणार्थ होता है, ठीक है। कोई वाक्य मिल जाए कि मोहन कुंभकर्ण है, भाई मोहन कुंभकर्ण तो नहीं है, लेकिन मोहन बहुत ज़्यादा देर तक सोने वाला है, या हम कहें कि सोहन जयचंद है, तो सोहन जयचंद तो नहीं है, लेकिन जयचंद की तरह धोखा देने वाला है, यानी वो धूर्त है, गद्दार है। तो इस तरीके से हम चीज़ों के अर्थ ले सकते हैं। तीसरा अर्थ, पहला हो गया हमारा वाच्यार्थ, दूसरा हमारा क्या हुआ लक्षणार्थ, और तीसरा आएगा हमारा व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ कार्य परिस्थिति आदि के आदि के आधार पर ग्रहण किया जाए, वह या वहां व्यंग्यार्थ होता है। क्या है, अब यहां लक्षण नहीं है, लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण नहीं होगा, बल्कि किसी कार्य परिस्थिति के आधार पर, है ना। जब किसी शब्द या वाक्य का
अर्थ हम किसी कार्य या परिस्थिति आदि के आधार पर ग्रहण करते हैं तब हमारा व्यंग्यार्थ होता है। कैसे? जैसे हम कहें, अब एक सीधा सा वाक्य बोले हम, अरे 4 बज गए, अरे 4 बज गए। अब इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है सबके लिए, किसी एक के लिए जरूरी नहीं है कि मैं वही अर्थ लूं, आप वही अर्थ लें, दूसरा वही, तीसरा वही अर्थ ले। हो सकता है सबके कार्य और परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। जैसे अरे 4 बज गए मतलब किसी की 3 बजे तक ड्यूटी है, उसे छुट्टी कितने बजे होती है? उसकी 3 बजे छुट्टी होती है, लेकिन वो आज काम में इतना बिजी था, उसने कहा अरे 4 बज गए, इसका मतलब वो समय से नहीं ले रहा था बल्कि छुट्टी का 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, मैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया, 4 बज गए। किसी के लिए 4 बज गए तो अब कोई सो रहा है, 3 बजे उनको कहीं जाना था बाहर, कोई आके बोला अरे 4 बज गए तो उसका मतलब क्या था कि तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें उठ जाना चाहिए था, तो उसके लिए छुट्टी का अर्थ था, इसके लिए सो के उठने का अर्थ है, किसी और के लिए कोई और अर्थ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कार्य और परिस्थिति के अनुसार अर्थ अलग अलग हो सकता है व्यंग्यार्थ में। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि किस परिस्थिति में वाक्य या शब्द बोला जा रहा है और उस परिस्थिति या उस कार्य के अनुसार हम उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे हम कहें कि आज अंधेरी रात है, अब देखो आज अंधेरी रात है, अब इसके लिए मायने कैसे बदलेंगे? अंधेरी रात, अब हो सकता है एक तो अविधा अर्थ हो सकता है इसका, सीधा सीधा अर्थ जो हमने बोला कि आज अंधेरी रात है, यानी आज बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, ना चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ, तो आज हमने कह दिया कि ये आज भाई वो है अमावस की रात है और घनघोर अंधेरा है, बादल छाए हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सीधा अर्थ है, सिंपल अर्थ है कि आज अंधेरी रात है। मगर ये सीधा सिंपल अर्थ व्यंग्यार्थ में नहीं होगा, व्यंग्यार्थ में ये अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। जैसे राहगीर के लिए कोई अगर रास्ते में जा रहा है तो वो क्या होगा, आज अंधेरी रात है, तो इसका मतलब क्या हुआ उसके लिए कि आज तो बहुत कष्ट है भाई, आज अंधेरी रात है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आज तो रास्ते में बहुत कष्ट है। और कोई चोर हो अपने साथी से कहे आज अंधेरी रात है, तो इसका मतलब क्या है, उनके लिए अर्थ यह है कि आज चोरी अच्छे से की जा सकती है ना। वैसे ही और कोई अर्थ लगा लीजिए आप, तो परिस्थिति और हालात के अनुसार, कार्य के अनुसार व्यंग्यार्थ का अर्थ अलग अलग आता है शब्द या वाक्य का। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शब्द वाक्य वाक्य का अर्थ किसी कार्य या परिस्थिति के अनुसार आदि के आधार पर लिया जाए वहां पर आपका व्यंग्यार्थ होगा। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात यह है कि व्यंग्यार्थ जब आप पढ़ रहे होते हैं, अपने व्यंग पढ़े होंगे, व्यंग विधा हजार, जैसे हरिशंकर परसाई हैं, श्री लाल शुक्ल हैं, ये कौन है हमारे बड़े व्यंग्यार्थ, बड़ा व्यंग करते हैं, व्यंग लिखे इन्होंने, जब ये व्यंग कर रहे होते हैं तो सीधा सीधा नहीं कहते, इसीलिए कहा जाता है कि व्यंग्यार्थ में सीधा सीधा व्यंग कभी नहीं किया जाता, बात को कुछ घुमा फिराकर कहा जाता है, सीधा सीधा व्यंग कभी नहीं किया जाता, परिस्थिति या हालात के अनुसार आपको व्यंग दिखाई देगा, परिस्थिति या हालात ऐसी होंगी कि उसके आधार पर व्यंग किया जाएगा। तो व्यंग्यार्थ में सीधा सीधा व्यंग कभी नहीं किया जाता, कह सकते हैं आप कि कार्य या परिस्थिति के आधार पर या
कह सकते हैं परिस्थिति पर परिस्थिति पर अर्थ ग्रहण करते हैं आप। जैसे आजकल सबसे अच्छे मजे तो जो पॉलिटिकल हमारे नेता होते हैं उन पे सबसे ज्यादा मजे लिए जाते हैं। कोई मजाक में कहते हैं, अरे आप तो भाई चाय वाले हो रहे हैं आजकल। तो चाय वाले होने का मतलब क्या है आजकल? क्या चाय होने वाले का मतलब ये है कि सीधे सीधे आप चाय बेचने वाले? नहीं, आप कोई और अर्थ लेंगे। या फिर आपसे कहते हैं, भैया आप तो राजकुमार हैं इस देश के, तो क्या अर्थ लिया जाएगा? तो आप समझ सकते हैं कि बड़े लोगों पर आजकल अलग तरीके से व्यंग्य हैं। तो ये मार्केट में बिल्कुल आजकल खूब बोले जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देके ऐसे समझा रहा हूँ। किसी को कोई पॉलिटिकली किसी को पसंद करता हो तो वो नाराज़ ना हो कि भाई हमारे पॉलिटिशियन के लिए आपने ऐसा कहा है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है कि व्यंग्यार्थ कभी कभी व्यंग जो है सीधे सीधे नहीं किए जाते, और ये परिस्थितियों के आधार पर ही उनके अर्थ निकाले जाते हैं। आज से 15 साल पहले अगर कोई ये कहता कि आप तो चाय वाले हैं, तो वो अर्थ नहीं लिया जाता जो आज लिया जाएगा, क्योंकि हालात बदल गए हैं। समाज का इस तरीके से उस शब्द का प्रयोग होने लगा है कि वो व्यंग कहीं और ही जाके निकलेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे 3 शब्द हैं, अविधार्थ, लक्षणार्थ और व्यंजनार्थ, इसी के आधार पर हमारी 3 शब्द शक्ति हैं। तो पहली कौन सी है हमारी? अविधा शब्द शक्ति। दूसरी कौन सी है हमारी? लक्षणा लक्षण शब्द शक्ति। और तीसरी हमारी आ जाएगी फिर व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार से हमारी 3 प्रकार से शब्द शक्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है, अब बात शुरू होती है। तो अविधा का तो कोई भेद नहीं है, अविधा मतलब सिर्फ अविधा, इसका एक ही रूप मिलेगा अविधा शब्द शक्ति का, इसके कोई भेद नहीं है। भेद हमारे किसके शुरू होते हैं? जो ज़्यादा मुख्य हैं वो हमारे लक्षणा के शुरू होते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति के भी हम 2 ही भेदों पर बात करते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना, जो कि आप श्लेष वाले अलंकार में भी कभी कभी देखते हैं। श्लेष अलंकार हो या ध्वनि अलंकार हो, तब आपको वहाँ पे भी वो चीज़ें दिखाई देंगी। जब बात आएगी अलंकारों की, वहाँ बात करेंगे। देखो, लक्षणा शब्द शक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे भेद हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति, अविधा का कोई भेद नहीं है, अविधा शब्द शक्ति सिर्फ सिंगल होती है। लक्षणा में सबसे पहले हम कह सकते हैं रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा हम कह सकते हैं प्रयोजनवती, रूढ़ा के समानांतर आएगी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, फिर हम प्रयोजनवती के भी भेद कर लेते हैं। प्रयोजनवती में कौन से मुख्य हैं? तो आप कर सकते हैं गौणी लक्षणा, दूसरा हम कह देंगे शुद्धा लक्षणा, फिर गौणी के भी हम भेद कर लेते हैं 2, सारोपा गौणी लक्षणा, सारोपा गौणी लक्षणा, दूसरा आएगा हमारे साधनावस्था, साध्यवसना, साध्यवसना गौणी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, इसके अलावा ये तो गौणी के हो जाते हैं, फिर शुद्धा के भी आ जाएंगे 2 भेद। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कौन सा? उपादान लक्षणा, ये शुद्धा का ही भेद है। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति और उपादान शब्द शक्ति, ये शुद्धा के भेद हैं। बहुत ज़्यादा अधिकतर प्रश्न कभी कभी यहीं से बनते हैं, उपादान से और लक्षण लक्षणा से। ठीक है, इसके अलावा आपकी तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना,
व्यंजना के दो भेद, साधी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ये दो इसके भेद आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम शब्द शक्ति तो वैसे तो बहुत बांटी गई है, 64 शब्द शक्तियों तक नाम आते हैं, 64 तक पहुंचा दिए विद्वानों ने, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति में आपको दिखाई देगा रूढ़ा और प्रयोजना, रूढ़ा और प्रयोजना में से रूढ़ा यहीं खत्म हो जाएगी, प्रयोजनावती के दो भेद चलते हैं, गौणी लक्षण शुद्ध लक्षणा उसकी बात करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर गौणी लक्षणा में सारोपमा और साधनावसना, और शुद्धा में जो है आपकी उपादान और लक्षण लक्षणा। आर्थी और शब्द और आर्थी व्यंजना उतनी महत्वपूर्ण व्यंजना में देख लेंगे, वो दो ही हैं, लेकिन पढ़ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लक्षण लक्षणा। लक्षण शब्द शक्ति से ही ज़्यादा घूम फिर कर प्रश्न बनते हैं। चलो पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हमारी कौन सी है, अविधा शब्द शक्ति। जहाँ किसी शब्द का या अथवा वाक्य का शब्द या शब्द का अथवा वाक्य का सीधा अर्थ प्रकट हो, अन्य अर्थ की कल्पना भी नहीं की जा सके, वहां अविधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, शब्द शक्ति को प्रकट करने वाला अर्थ अविधा शब्द शक्ति को प्रकट करने वाला अर्थ क्या कहलाता है, मुख्य अर्थ, है ना, मुख्य धन अर्थ, दीर्घ संधि मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ, या फिर आप कह सकते हैं सरलार्थ, और क्या कह सकते हैं वचनार्थ कह सकते हैं, वचनार्थ जो सीधा सीधा कहा जाए, अविधेयार्थ कह सकते हैं, अविधेयार्थ ना, और क्या कह सकते हैं लोक प्रचलित कह सकते हैं, या फिर आप रूढ़ा भी कह सकते हैं। यहां रूढ़ा का मतलब रूढ़ है जो अर्थ, रूढ़ है जो अर्थ उसके संदर्भ में हम लेंगे। तो आप शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति को प्रकट करने वाले अर्थों में इतने सारे नाम, मुख्य अर्थ, वाच्य अर्थ, सरल अर्थ, वचनार्थ, अविधेयार्थ, लोक प्रचलित अर्थ, रूढ़ार्थ, और भी कोई सामान्य सा शब्द क्रिएट करके अर्थ बनाए जा सकते हैं, जिसमें मतलब ये हो कि जो कहा जा रहा है वही सुना जाए, वही अर्थ लिया जाए, उससे अलग कोई और मीनिंग, कोई भी अर्थ दूसरा न ग्रहण किया जाए, हमारी अविधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए इसमें बहुत सिंपल है, आपको उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है, एक प्रकार से याद करने की आपको यही पता चल जाएगा, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वो स्कूल जा रहा है सीधा सीधा, या मैं प्रतिदिन खाना खाता हूँ, या वो प्रतिदिन हम रोज सोने जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, संसद भवन दिल्ली में स्थित है, तो ये क्या है, ये सीधे सीधे अर्थ हैं, जो हम बोल रहे हैं वही अर्थ लिए जा रहे हैं, या फिर कि हम ये कहें कि मैं टीवी देख रहा हूँ, और सीधा संदर्भ सहित अर्थ हम यही ग्रहण करें कि वो टीवी ही देख रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा, तो
जब ऐसे अर्थ लिए जाते हैं या जो बोला जाए वही उसका अर्थ लिया जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ अविधा शब्द शक्ति है, और अविधा शब्द शक्ति को प्रकट करने वाला अर्थ आपका मुख्यार्थ, लक्षणार्थ, वो मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, वचनार्थ, या फिर आप कह सकते हैं कि लोक प्रचलित अर्थ आदि रूपों में आप बात कर सकते हैं। उदाहरण आप इसके बहुत सारे दे सकते हैं। मोस्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक चीज है अविधा में, क्या बहुत जरूरी चीज है, तो याद रखिए, जब भी आपसे पूछ लिया जाए यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, ये जब भी शब्द आ जाए, यौगिक आए, योग रूढ़ आए, रूढ़ शब्द आए, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ शब्दों में अविधा शब्द शक्ति ही होती है। यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्दों में अविधा शब्द शक्ति ही होती है, इस बात को नोट डाउन कर लेना। यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ शब्द क्या है, ये हम व्याकरण में जब शब्द पढ़ेंगे तब वहाँ पे पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी हम वहाँ जाएंगे तो फिर शब्द शक्ति हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा, दूसरी शब्द शक्ति लक्षण या लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति जहां किसी शब्द अथवा अथवा वाक्य के मुख्य मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार पर। देखो एक चीज को ध्यान रखना विशेष रूप से, हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, लिखने में जब आपका सब्जेक्टिव प्रश्न हो, पेपर होगा, आपकी वर्तनी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना कि हम बहुवचनों के प्रयोग में, है के प्रयोग में, नहीं के प्रयोग में, मैं के प्रयोग में, एवं के प्रयोग में, इन सब में हमारी वर्तनी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। हैंडराइटिंग का एक बार को मैटर्स ठीक है, किसी की हैंडराइटिंग नहीं अच्छी होती क्योंकि उसमें फाइन स्किल्स मोटर का पूरा योगदान होता है। जिन लोगों की फाइन स्किल्स मोटर डेवलप नहीं हुई होती है, आप लोग अगर बीएड किए होंगे तो वहाँ पढ़ा होगा आपने, तो उन लोगों की कभी कभी हैंडराइटिंग या आर्ट वाली जो कला है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती, वो कई कारण हो सकते हैं नहीं होने के, तो इसलिए। लेकिन ये तो एक बार को माफ हो जाएगी कि चलो हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी वर्तनी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, वर्तनी पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं जो लिख रहा हूँ शब्दों को थोड़ा लिखने का ध्यान रखिएगा कि हम लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहुंचाकर लक्षणों के आधार मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार पर, आधार के लक्षणों के आधार लक्षणों के आधार पर अर्थ अभिव्यक्त हो, वहां लक्षण शब्द शक्ति होती है। जहां लक्षणात्
जहाँ किसी शब्द अथवा वाक्य के मुख्य अर्थ को बाधा पहुँचाकर लक्षणों के आधार पर अर्थ अभिव्यक्त हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या मतलब है? अभी बताया कि वही रूप है, जब आप किसी शब्द को लिखें, हमने कोई शब्द लिखा, शब्द का अर्थ हम सीधा सीधा ना लें, जैसे हमने बैल लिखा और बैल का अर्थ तो एक जानवर है, लेकिन अगर यही बैल हमने मोहन के आगे लगा दिया, मोहन बैल है, तो मोहन जानवर नहीं है बल्कि मोहन कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। मोहन कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, यानी हमने बैल का लक्षण क्या हासिल किया, कम बुद्धि वाला, जानवर नहीं लिया हमने, क्योंकि वो मोहन के साथ इस तरीके से प्रयोग किया गया था कि हम मोहन को बैल यानी जानवर नहीं कह सकते थे, बल्कि हम ये कहते हैं कि मोहन कम बुद्धि वाला है। ठीक है, तो जहाँ किसी शब्द अथवा वाक्य के मुख्य अर्थ को बाधा पहुँचाकर लक्षणों के आधार पर अर्थ अभिव्यक्त होता हो वहाँ पर आपकी शब्द शक्ति कौन सी कहलाएगी, लक्षणा कहलाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके आप उदाहरण कई सारे बना सकते हैं, जैसे वह लड़का, जैसे कहते हैं ना कि मेरा भाई शेर है, मेरा भाई शेर है, तो क्या उसका भाई जंगल का जानवर है? जानवर जो जंगल में रहता है शेर, क्या वो उसका भाई है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव चीज है। फिर कहने का अर्थ क्या है? वो कहना चाह रहा है कि उसका भाई जो जानवर नहीं बल्कि शेर नहीं, शेर रूपी जानवर नहीं बल्कि बहुत बहादुर है, वो किसी से भी नहीं डरता। जैसे जंगल में एक छत्र राज किसका चलता है? शेर का चलता है, वैसे ही एक छत्र राज उसके भाई का चलता है, उसका भाई शेर है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्ति है, बाहुबली है, किसी भी रूप में, पैसे में बाहुबली हो सकता है, शरीर में बाहुबली हो सकता है, वो तो फिर वो शेर है। अब हमें तो पता नहीं कैसा शेर है, तो हम किसी शेर से मिलेंगे, किसी का भाई शेर होगा तो पता चलेगा भाई वो बाहुबली है, पैसे वाला, या शारीरिक रूप से मजबूत है, तो वो तो मिलकर ही पता चलेगा। या हम कहें सुरेश क्या है, सुरेश जयचंद है, या मोहन गांधी है, या फिर हम कहें के राम हरिश्चंद्र है, तो इन सब का मतलब क्या है कि रामू हरिश्चंद्र का मतलब हरिश्चंद्र कोई राजा थोड़ी ना है वो, बल्कि वो सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता, तो हरिश्चंद्र का अर्थ हम क्या लेते हैं, सत्यवादी होना। तो किसी मुख्य अर्थ में बाधा हो गई, मुख्य अर्थ ये, जैसे मेरा भाई शेर है, मुख्य अर्थ क्या होगा इसका? अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ लें, अगर इसका अविधा अर्थ लें, तो क्या है कि उसका भाई जंगल का जानवर जो है वो है, लेकिन यहां पर ऐसा अर्थ नहीं लिया जा सकता। फिर क्या है? तो फिर हमने देखा कि उस भाई का क्या लक्षण है, शेर होना, और शेर की खासियत क्या है कि वो ताकतवर है, है ना, उसमें ताकत है, शक्ति है, बाहुबल है उसके अंदर, तो इसलिए हमने अर्थ, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हुई, हमने शेर से बाधा हमें हुई कि भाई शेर नहीं हो सकता उसका है भाई, हम सीधा सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर पाए, तो फिर हमने एक लक्षण निकाला, और लक्षण क्या था कि शेर बाहुबली है, ताकतवर होता है, जंगल में एक छत्र शासन करता है, उसी आधार पर उसका भाई भी क्या है, एक प्रकार से बाहुबली है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का रूप दिखाई देगा। कैसे पहचानेंगे शब्द शक्ति? अब ये तो व्याकरणिक बात हो गई, टेक्निकल बात हो गई, अब बात तो ये आती है ना कि हम व्यवहारिक रूप से कैसे पहचानेंगे। तो आप ये बताएं, जब भी शब्द में ऐसा कुछ देखें कि जहां लगे आपको, जहां किसी को कुछ बताया गया हो, एक तो इस बात को ध्यान रखें कि किसी को कुछ बताया गया हो, मतलब उसको कि वो रानी है, वो राजा है, मेरा भाई राजा है, रानी है, तो उसका मतलब अब राजा रानी तो है नहीं, यानी वो पैसे वाले लोग हैं, कुछ बताने की कोशिश की जाए, मेरा भाई शेर है, मेरा भाई गधा है,
कुछ भी आप अर्थ लें, मोहन कुछ ये है, तो जहां किसी को कुछ बताया जाए, ऐसी कोशिश की गई हो, बताया गया हो, वहां आप ये सोचेंगे कि लक्षणा सप्तशती का रूप हो सकता है। जहां निर्जीव चीज, निर्जीव चीज को या निर्जीव वस्तु को या किसी भी निर्जीव थिंग, जो भी कुछ है निर्जीव को कार्य करते दिखाया जाए, कार्य करते दिखाया जाए, कोई निर्जीव चीज है वो कार्य कर रही है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को? अभी अभी दिखाई दे रही सर। तो किसी को, किसी निर्जीव को कार्य करता हुआ दिखाई जाए, या किसी को किसी के समान बताया जाए, समान बताने की कोशिश की जाए ना, तो आप ये कहेंगे कि ये सारे जो लक्षण हैं ये हम लक्षणा सप्तशती को पहचानने के कुछ मोटे संकेत हो सकते हैं, कुछ सामान्य संकेत हो सकते हैं, जिनसे हम ये अनुमान लगाएं भाई यह निर्जीव वस्तु है, कोई कार्य करती दिखाई जा रही है निर्जीव चीज को, है ना, या फिर हमें यह दिखाया जाए कि किसी की किसी से समानता की जा रही है, या फिर हमें ये दिखाया जाए कि किसी को कुछ बताया जा रहा है कि वो ये है स्पेशल, है ना, कुछ कोई विशेष चीज़ उसको बताने की कोशिश की गई हो, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लक्षणा सब सकती है। और विशेष नोट करें आप इसमें, ये तो एक तरीका हो गया चीज़ों को समझने का कि लक्षणा सब शक्ति कहाँ होगी, नोट क्या है, विशेष क्या है, विशेष यह है कि आपको उपमा अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, दृष्टांत दृष्टांत, ये ता है ये टा है, मेरे ता टा दोनों एक से होते हैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, उपमा हो, रूपक हो, दृष्टांत हो या फिर उदाहरण हो, जब भी आपको ये अलंकार दिख जाए, उपमा, रूपक, दृष्टांत और उदाहरण, आप तुरंत पूछ ले कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, आपको पता है कि ये उपमा अलंकार है, आपने पहचान लिया ये रूपक अलंकार है, आपने पहचान लिया कि दृष्टांत अलंकार है, आपने पहचान लिया कि ये उदाहरण अलंकार है, और आपसे पूछा जाए ऐसे किसी वाक्य से कि बताइए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो आपको 1 सेकंड की देरी भी नहीं लगानी, आपको तुरंत किस पे लगाना है आंसर, लक्षणा शब्द शक्ति पे, उपमा, रूपक, दृष्टांत और उदाहरण अलंकारों में हमेशा क्या मिलेगी आपको, 99.99% इनमें आपको मिलेगी लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है, उपमा, रूपक, दृष्टांत और उदाहरण अलंकारों में हमेशा आपको लक्षणा शब्द शक्ति ही दिखाई देगी। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, सबसे पहली बात करेंगे हम रूढ़ा, रूढ़ा लक्षण और प्रयोजन वती लक्षण, क्या है हमारी रूढ़ा लक्षणा, कैसे कहते हैं, देखिए हमें यह तो पता चल गया कि लक्षणा शब्द शक्ति में हम किसी लक्षण के आधार पर, किसी सिम्टम्स के आधार पर उस अर्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सिम्टम्स, ये लक्षण किस किस रूप में हो सकते हैं, ये बात अब तय होगी इसके भेद में। पहला भेद है रूढ़ा लक्षण, मतलब जहां पर
जहां रूढ़ी अथवा, रूढ़ी का मतलब क्या है? रूढ़ी का मतलब है जो पहले से चली आ रही बात समाज में स्थापित हो गई हो, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया हो, वो क्या है? रूढ़ी है। रूढ़ होना है एक जगह स्थापित हो जाना, खड़े हो जाना। जहां किसी रूढ़ी अथवा परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो, वहां क्या होगा? वहां आपकी होगी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कहां कहां मिलेगी? नोट करने वाली बात है, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण। तो रूढ़ा लक्षणा मिलेगी आपको सबसे पहले, अगर कहीं पे भी आपको मिल जाए क्या, लोकोक्ति, लोकधन उक्ति, लोकोक्ति मतलब जो लोक में प्रचलित कहावतें हैं, लोकोक्ति है, ऐसी कहीं लिखी हुई मिल जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो आप बिना देरी करे कहेंगे कि रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, लोकोक्ति और मुहावरे मुहावरे है ना, बा नहीं होता, वा होता है, मुहावरे, ठीक है। लोकोक्ति हो जाएंगे, मुहावरे हो जाएंगे, और क्या होगा? प्राचीन समय से चले आ रहे आप उपमानों का प्रयोग करें, यानी परंपरागत प्राचीन उपमानों में क्या मिलेगा आपका? उपमानों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन, परंपरागत प्राचीन उपमान हो, या फिर आपके लोकोक्ति हो, या फिर आपके मुहावरे हो, वहां पर आपको हमेशा क्या मिलेगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति आपको मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो परंपरागत प्राचीन उपमानों से ज्यादा समझना है तो आप इसको तो जरूर ध्यान में रखना है कि लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है। परंपरागत प्राचीन उपमानों का नाम ही होता है ना, पुराने समय में दी जाने वाला कोई उदाहरण के 2.5 कोस चले, चले पूरे दिन, पहुंचे 2.5 कोस। अब ये आज के समय का उस तरीके का उपमान नहीं है, ये पुराने समय का या मुहावरे लोकोक्ति। तो आप उस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति ही मिलेगी। हम कहें सर, जी सर, ये जो ये है रूढ़ा जो लक्षणा है सर, इसका जो सेंटेंस को इस प्रकार भी कर सकते हैं क्या ना, मुख्यार्थ को स्वीकार ना करके रूढ़ियों के संदर्भ में अर्थ को ग्रहण करना, इस तरह से बात वही भी है, वो भी सिंपल ही बात है, आप कर सकते हैं इसको। मुख्य अर्थ में तो बाधा हो गई ना, आप लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य अर्थ को स्वीकार ना करके रूढ़ियों के संदर्भ में अर्थ को ग्रहण करना, हाँ, मुख्य अर्थ को स्वीकार ना करना, या मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाना, या मुख्य अर्थ अर्थ ना रहकर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, तो आप वाक्य को कैसे भी कह सकते हैं। बात वही है कि मुख्य अर्थ को आपने अस्वीकार कर दिया, उसे स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी लक्षण के आधार पर अर्थ को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात है, वो भी आप कह सकते हैं लक्षण। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि उसको सिंपल किया जाए आसान भाषा में, कि जहां पर अर्थ जो है मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई, आप सीधा मुख्य अर्थ नहीं ले रहे, बाधा उत्पन्न होने का मतलब है कि सीधा सीधा अर्थ नहीं ले रहे, अस्वीकार कर दिया आपने उस अर्थ को, तो वो जो है आपका किसी रूढ़ी के आधार पर आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा लक्षण, लक्षणा बहन शब्द शक्ति, ठीक है। और आप इसमें लोकोक्ति, मुहावरे और प्राचीन उपमानों के आधार पर देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपको ये मिलेगा तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा आपको मिलेगी।
अब देखो इसका उदाहरण देख लेते हैं एक दो रूढ़ा लक्षणा के। मुख कमल है, सीधे तौर पे आपसे पूछा जाए कि मुख कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा होगा मुख कमल है? मुख कमल, इतना ही हटा दो, चलो है भी हटा देते हैं हम आपसे पूछें कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तो बता सकता है कोई? यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, ठीक है? रूपक हाँ रूपक है, और रूपक होने के कारण इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? आप तुरंत क्या कहेंगे? यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है। अब कहा कि मुख कमल है, अब अगर वो ये पूछता है कि लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा भेद है यहां, है तो यहां पर आप कहेंगे कि ये रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि ये मुख कमल है, ये एक रूढ़ी है, ऐसी हमारी परंपरा में माना जाता रहा है, पहले काव्य कवि हमारे प्रयोग कर चुके हैं, संस्कृत काव्य शास्त्री, संस्कृत कवि हों, पाली के कवि हों, प्राकृत के कवि हों, अपभ्रंश के कवि हों, उन्होंने मुख का अधिकतर प्रयोग कमल के ही लिए कहा, तो ये हमारी एक रूढ़ी बन चुकी है, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारा रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, मुख को कमल बताने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो ये क्या है, ये रूढ़ा लक्षणा का उदाहरण है। जैसे हम कहें कि वह व्यक्ति सांप है, क्या है? अब सांप है, क्या बताने की कोशिश की गई है? किसी को कुछ बताने की कोशिश की गई है, इस आधार पर आप पहचान लेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति है। किसी की किससे तुलना करने की कोशिश की गई है, यहां देखो हमने कहा था कि समानता, तो मुख कमल के समान है, समानता की बात थी, तो भी लक्षणा शब्द शक्ति है। अब देखिए वह व्यक्ति सांप है, तो किसी के समान बताया गया है, तो यहां पर कौन सी है आपकी? लक्षणा शब्द शक्ति है। अब बात यह आ जाए कि लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा भेद है, तो वह व्यक्ति सांप है, तो सांप बताने की परंपरा रही है किसको? जो धोखेबाज लोग होते हैं कि भाई वो सांप है, उससे बच के रहना, तो ये हमारे समाज में रहा है कि वो कैसा है, आस्तीन का सांप है, यानी आपके साथ रह के भी क्या करेगा, आपको धोखा देगा, धोखेबाज है वो। तो ये क्या है, हमारी परंपरा रही है ये बताने की, परंपरागत अर्थ है ये, व्यक्ति को सांप कहना, किसी को सांप कहना उसके धोखेबाज होने का उदाहरण है उसका, हमारा ऐसा समाज में प्रचलित हमको मिलता है, ठीक है? तो यहां पर जो है आपको कहेंगे कि ये रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है, इसी तरीके से आप चीजों को देखेंगे। तो जहां लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, परंपरागत प्राचीन उपमानों का प्रयोग किया गया हो, आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि ये यहां पर रूढ़ा लक्षणा है, ठीक है? और टाइम देखे कितना हो गया, ठीक है, टाइम तो 1 घंटे का क्लास हो चुकी है, किसी को पूछना हो पूछे, कल हम थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, अब हम एक दिन में एक चैप्टर करने, वो एक टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से तो सिलेबस बहुत भारी पड़ जाएगा, सर भी कह रहे थे कि आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाना है। आपको समझ आया यहाँ तक? कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक समझ में ना आया हो? किसी का कोई सवाल? सर, हाँ ये जो सर सिलेबस है, ये कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ा चुका है सर आपने? अभी तो हमने शुरू किया है ना, ओ कल ही से, कल हमारी नहीं, डेमो क्लास थी, आज जो हमारा पहला लेक्चर है, हम सब शक्ति से शुरू कराए हमने, सब शक्ति के बाद सर आप यूनिट 5 में जाएंगे ना? सब पहले हम वो जो पहला पार्ट है सब शक्ति काव्य दोष काव्य गुण जी वो जो दिए हुए हैं वो पढ़ के हम फिर काव्य शास्त्र पर जाएंगे, शास्त्र जी देख ही लेते हैं ना एक बार, यहाँ है तो सही सिलेबस, NDT GT ये रहा सिलेबस, तो देखो कहाँ है शब्द शक्तियाँ, अविधेय लक्षणा व्यंजना, शब्द गुण, प्रसाद गुण, मौ, ठीक है, छंद मात्रिक और वर्णिक छंद, रस, रसों के लक्षण, उदाहरण आदि और अलंकार, ये देखेंगे पहले हम फर्स्ट जल्दी से, इसके बाद फिर हम सीधे जाएंगे यहाँ पे काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, कॉलेज और
अरस्तु का कॉलेज और प्लेटो का सिद्धांत, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम वापस लौटेंगे कहाँ, यहाँ व्याकरण पे, ये पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ने के। सबसे तब जो ये यूनिट 5 का जो काल विभाजन की समस्या, काल विभाजन के आधार, ये सब बहुत कंफ्यूजन लगता है सर। ये तो सबसे इजी है, ज़्यादातर हम लोगों का वही परेशानी है, एस्पिरेंट लोग का ये जो ये तो सबसे इजी बोले है, सर इसमें तो कुछ भी नहीं समस्या ही है। सर का आधार ये सब ना। कोई बहुत इजी है, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों कहा है, बहुत इजी है। आदिकाल को हजारी प्रसाद दीदी ने वीरगाथा काल स्वीकार ना करके आदिकाल क्यों कहा, बहुत इजी है। आप शब्द के अर्थ में जाएंगे तो आपको एक चुटकी में अर्थ पता चल जाएगा, बता देंगे आपको, बहुत इजी है, बेहद इजी। वही सर, जिसे आप सबसे टफ कह रहे हैं इसलिए ना, तो जी जिसे आप सबसे टफ कह रहे हैं, वो इस हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे इजी पार्ट है। अब आप सोच लीजिए आपने किस चीज को टफ कहा है। सबसे मुश्किल पार्ट जो है आपके लिए ये है, और सब इससे भी ज्यादा टफ जो है आपके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ा करता है ये सबसे मुश्किल चीजें हैं। जैसे आप मुश्किल कह रहे हैं वो तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, अभी बैठे बैठे भी हम बता सकते हैं कि भाई वीर गाथा काल का आधार क्यों कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो 12 पुस्तकों के नाम याद कर लीजिए आप, उसमें देख लीजिए 12 पुस्तकों में कैसे वीर रस की प्रधानता है, देख लीजिए कि आदिकाल में कैसे वीर रस प्रधान कविता लिखी गई, कैसे राजाओं की कविता थी, प्रशंसा की कविता थी, तो उस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कह दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले कि नहीं नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ वीर रस की कविताएं थोड़ी लिखी गई हैं, आप वहां पे सिद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है, रासो साहित्य भी है, कई अलग अलग भिन्न प्रकार के साहित्य हैं, तो आप उसको एक एक प्रवृत्ति में कैसे बांट सकते हैं, ये तो आदिकाल है। आप चले जाइए चारण काल की तरफ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के सामने, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो उसको चारण काल कहेंगे, क्यों कहेंगे चारण काल, आधार उन्होंने क्या माना कि उस समय में अधिकतर कवि अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे। तो जब आप शब्द को समझेंगे, शब्द की गहराई में जाएंगे, तो पता चलेगा ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ टेक्निकली आपको क्या है ना, तारीखें याद करना पड़ेंगी, कितना समय से कितने समय माना, वो सन तो आपको डेट तो याद करनी पड़ेंगी, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता किसी का, भाई वो तो फैक्ट है, फैक्चुअल तो ज्ञान आपको तारीखें याद करनी पड़ेगी, बहुत ईजी है वो। आपको टफ पता नहीं कैसे लगा, मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन वो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे आसान हिस्सा है वो। के अंतर्गत सर भक्ति काल रीति काल में भी हाँ समस्या बतानी हाँ पड़ती भक्ति काल, हाँ भक्ति काल को भक्ति काल क्यों कह रहे हैं, भक्ति काल के उदय के बारे में पूरी एक बहस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर भारत में मुसलमान ना आए होते तो भक्ति का उदय नहीं होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, अगर मुसलमान ना आए हुए थे तो भक्ति का बाहर आना वैसे ही होता, क्योंकि भक्ति उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में पनपी थी, तो दक्षिण में तो मुस्लिम गए नहीं, मुस्लिम तो उत्तर में आई सबसे पहले, तो अगर मुस्लिमों के कारण भक्ति उपजनी थी तो उसको पश्चिम में उपजना चाहिए था, लेकिन भक्ति तो दक्षिण भारत में निकली है, तो आर्गुमेंट है वो, उसी के आधार पर उन्होंने उनका खंडन कर दिया है। रीति काल में पहुंचेंगे तो किसी ने कहा अलंकृत काल है, इसका मतलब वो अलंकार पर जोर दे रहा है, किसी ने कहा कला काल है तो वो कला पे जोर दे रहा है, किसी ने कहा कि नहीं वो रीति काल है तो वो एक शैली स्टाइल पे जोर दे रहा है। बस इतना ही आपको शब्द की मीनिंग पकड़नी है, शब्द की मीनिंग पकड़नी है और समय की परिस्थितियों को समझना है, हो गया, बहुत ईजी है। पेपर में लिखने के लिए सर उससे भी तत्पर साहित्य इतना सारा कविता है हाँ उससे ज्यादा है साहित्य। अब तुम मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल जो पार्ट है ना इसमें, वो देखो टैक्स है। मैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नहीं पढ़ सकता इतना, सोचो ये TGT के लिए है, कबीर की साखी, कितनी साखियां हैं, कितने अंग हैं सोचो, गुरु को अंग मतलब 27-28 अंग हैं शायद, उन साखियों को कितनी सारी साखियां, बिहारी के दोहे 713 दोहे हैं, बिहारी के 719 छंद हैं पूरे बिहारी सत्संग में, 713 दोहे आप पढ़ सकते हैं। घनानंद के सवैया, किस किस पुस्तक में सवैया हैं, आप सारे सवैया इकट्ठे करते जाओगे तो कलेक्शन ही कलेक्शन करने में टाइम लग जाएगा। भारतेंदु के सवैया, मैथिली शरण गुप्त का, यशोधरा, साकेत और जयद्रथ, साकेत सोचो, साकेत का सिर्फ 9वां सर्ग पढ़ाया जाता है हर जगह, ये पूरा साकेत पढ़ने को बोल रहे हैं। रामचरित मानस के 7 कांड, भाई साहब एक साल में भी नहीं पढ़ पाएंगे रामचरित मानस। विनय पत्रिका, पूरी की पूरी विनय पत्रिका, फिर भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार को पूरा पढ़ना है, पद्मावत, जायसी की पद्मावत पूरा खंड, कैसे कैसे संभव है, पदावली और कीर्ति लता, सोचो पदावली पढ़नी है, पदावली के 4 दोहे 4 पद पढ़ने में ही आपको 4 दिन हो जाएंगे, एक एक पद को 1 दिन में पढ़ पाएंगे हम,
अगर पूरी पदावली पढ़ेंगे तो पूरे साल में भी नहीं पढ़ पाएंगे। हमने एमए में मास्टर जब हमने की थी तो पदावली के सिर्फ 7 दोहे पढ़े, 7 पद पढ़े थे हमने, 7 ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमए करते वक्त 7 पद वो पढ़ा रहे हैं हमें, पूरी पदावली और कीर्ति लता। वो तो कीर्ति पताका उपलब्ध नहीं है, वरना ये लिख देते कीर्ति पताका ही पढ़ो। तो ये सिलेबस बहुत, पर जो हाँ जैसे कि कबीर की साखी है ना, जी कि कबीर की जो साखी है, जब हम बीए में जो हमारा सिलेबस दिया गया था, बीए में जो एक सिलेबस दिया गया था, वो सिलेबस में ये